हेलो एवरीवन, जैसे काउडंग होता है उसी तरह ये गोटंग है और इसमें भी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है और ये एक जैविक खाद है बकरी का डॉंग। तो आपके लिए अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, ये जैसे गांव में जो लोग रहते हैं उसके लिए बहुत इजीली अवेलेबल है। और उसके साथ ये राख है उडेस, जिसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत मात्रा में पाया जाता है। पहले हम लोग देखते थे कि खेत में इसे ही पूरे पौधे में छींट दिया जाता था फंगीसाइड के रूप में, क्या ताकि कीड़े मकोड़े का अटैक खेतों के पेड़ पौधे में ना लगे, फसलों में ना लगे। और ये छोटे छोटे लाही टाइप के जो जैसे सेम का पेड़ होता है, कद्दू का पेड़ होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा काले काले कीड़े लगते थे, वो राख से ही चले जाते थे। तो हम लोग भी अपने छोटे से टेरिस गार्डन, बालकनी गार्डन में अगर इस चीज़ ये सब चीज़ का यूज़ करें पूरी तरह से जैविक, तो वातावरण भी हमारा हेल्दी रहेगा। तो आप एक मुट्ठी से भी कम बकरी का डोंग को पूरी तरह से सुखा लीजिए और डायरेक्ट भी आप इसे अपने प्लांट में डाल सकते हैं। और मैंने क्या किया, इसमें थोड़ी सी वुड एश मिलाकर एक मुट्ठी से भी कम लेकर सभी प्लांट में थोड़ा 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 कर डाल दिया है। ये सूखते भी रहेगा और धीरे धीरे हमारे प्लांट इसे ऑब्जर्व करते रहेंगे। जैसे जैसे हम लोग पानी देंगे वैसे वैसे, बारिश के बाद ऐसा होता है कि जो भी पौधों में हम लोग न्यूट्रिएंट्स डालते हैं सारा बह जाता है। तो कुछ कुछ अक्टूबर नवंबर में करना चाहिए। ये देखिए मेरा हरसिंगार का प्लांट है जिसमें अभी फूल देगा, और ये मिनी चांदनी, तो जो जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें भी लगता है ये। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि सभी प्लांट में एक मुट्ठी से भी कम थोड़ा थोड़ा सब प्लांट में डाल देती हूँ, तो हमारे प्लांट हेल्दी रहते हैं। और ये जैविक खाद है और इसमें भी छोटे छोटे कीड़े लगते हैं काउडंग की तरह। काउडंग में क्या है कि उसे जब तक आप डीकम्पोज नहीं करेंगे आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसका क्या है कि बस ले आइए, एक हफ्ता सुखा दीजिए या सूखा हुआ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, डायरेक्ट अपने प्लांट में डाल दीजिए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा फंगीसाइड का यूज़ किया है और हमारे प्लांट में फूल दे रहे हैं देखिए। और 15 दिन में या महीने भर में एक बार अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप इसे डालिए। ये जैविक खाद है और हमारे प्लांट इससे हेल्दी रहते हैं। और वुड एश का खासियत ये है कि ये हमारे प्लांट को फंगस अटैक से पूरी तरह से बचाता है। और जो हम लोग आजकल केमिकल फर्टिलाइजर NPK डालते हैं, क्यों ना इसे यूज़ किया जाए। हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।